हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत हो चुका आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कौशल के ब्लॉग्स में। दोस्तों आज है माँ धारी देवी यात्रा का छठवां दिन और कल रात को हम आ चुके थे हरिद्वार में और हम रुके थे यहाँ पे और आज का जो कार्यक्रम है वो पूरा हरिद्वार में होने वाला है। तो महाराज जी बताएंगे आज का जो भी कार्यक्रम रहेगा। नमस्कार आप सभी को, देवडोली शोभा यात्रा में जुड़े हुए सभी भक्तों को। और देवडोली यात्रा का आज षष्ठम दिवस प्रारंभ हो गया है और आज का जो कार्यक्रम है अभी हमारा प्रातः 11 बजे कृष्ण प्रणामी धाम जो आपका शांति कुंज के पास है वहाँ पर जाना है। तैयारी होने लग गए, लोग आने शुरू हो गए हैं। ये इसकी इधर की तरफ है, हम यहाँ पर अपना तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से हमने वहाँ जाना है 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक हम वहाँ रहेंगे। उसके बाद फिर हमारे अन्य कार्यों के साथ साथ तैयारी की कल हरिद्वार में बहुत भव्य कार्यक्रम होना है। 14 तारीख का हरिद्वार में जो कार्यक्रम है कल का वो शिव विश्राम गृह है, अपर रोड हरिद्वार, वहाँ पर कार्यक्रम है। माँ भगवती की देवडोली, भगवान नागराजा का निशान, हमारे उत्तराखंड के लोग जाग रहे, लोक संस्कृति के साथ हम वहाँ आ रहे हैं अपनी संस्कृति की झलक दिखाने के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आएँ। और आज रात्रि का विराम हमारा देहरादून के 4 सिद्ध है, जिसमें सबसे प्रतिष्ठित सिद्धपीठ कालू सिद्ध जी हैं। तो आज रात्रि विराम जो है हमारा कालू सिद्ध मंदिर में है, हरिपुर कला कालू सिद्ध। तो यही है फिर कल हरिद्वार का कार्यक्रम। आप सभी जुड़े रहे, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कौशल बिस्ट जी के ब्लॉग में बने रहे। जय माता की जय हो, विजय हो, जय माँ धारी देवी। तो अभी लग रहा है यहाँ पे माता के लिए भोग। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, मध्ये मध्ये जल मुद्रिकाय नमः। ओम मध्ये मध्ये जल मुद्रिकाय नमः। ओम प्राण मुद्रिकाय नमः। भगवती साक्षात भगवती देवेभ्यो नमो नमः। श्री नागराजा देवताय नमो नमः। इष्ट देवताय नमः। कुल देवताय नमः। ग्राम देवताय नमः। स्थान देवताय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः। तो दोस्तों अभी माता के साथ साथ हम लोगों ने भी भोजन कर लिया है, सुबह का नाश्ता कर लिया है और ये है वो आश्रम जहाँ पे कि कल माता रुकी थी, मतलब हम लोग रुके थे और अभी यहाँ से माता जाएगी। दोस्तों अभी डोली आश्रम से निकल चुकी है और अभी डोली जाएगी यहाँ से श्री कृष्ण प्रणामी धाम में जो कि हरिद्वार में है। तो ये देखिए दोस्तों अभी डोली आ चुकी है, सभी लोग डोली के साथ आ रहे हैं और भजन कीर्तन करते हुए माता का यहाँ पे स्वागत करा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए ये है अपना कुंज, कौशल कुंज। तो दोस्तों ये खोल दिया मैंने अपना नया कुंज, ये है कौशल कुंज। ये डोली जा रही है, आश्रम जो कि जहाँ पे कि आज माता ने विश्राम करना है। ये देखिए दोस्तों, तो ये है आश्रम और ये रही सामने पे माता की डोली जो कि पहुंच चुकी है यहाँ पे और सभी लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया है। यहाँ पे माता का काफी सुंदर सा स्वागत हुआ और पहुंच चुकी है माता की डोली यहाँ पे अभी। अभी देखिए दोस्तों ये रहा सामने पे श्री कृष्ण प्रणामी अक्षरातीत धाम और यहाँ पे माता की डोली पहुंच चुकी है। और ये देखे दोस्तों इतने लोग माता के साथ जुड़ चुके थे, सभी लोग आ चुके हैं, माता का सुंदर सा यहाँ पे स्वागत होने वाला है। ये देखे दोस्तों
दोस्तों कुछ इस प्रकार से सामने पे आश्रम और ये नागराजा भगवान के रूप में बना दी है। तो दोस्तों अभी माता पहुंच चुके हैं श्री कृष्ण प्रणाली धाम में और यहाँ पे जितने भी लोग माता के साथ आए थे उन लोगों ने सभी ने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पे माता की जो आरती पूजा है वो होने वाली है। तो दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दे। और दोस्तों साथ ही जो कल का प्रोग्राम है वो आपको महाराज जी ने बता दिया, हरिद्वार में बहुत ही बड़ा भव्य जो प्रोग्राम है वो होने वाला है, तो उसकी वीडियो की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। और पहले तो अभी ये यात्रा दोस्तों पूरे 21 दिन की यात्रा है और जो माता है उसने जाना है यमुना घाट पे, वहाँ पे डुबकी लगाना है और 28 तारीख को फिर से देहरादून में आना है तो वहाँ पे भी कार्यक्रम है। तो दोस्तों ये यात्रा हमारी ये सफ़र बहुत लंबा होने वाला है तो प्लीज़ आप चैनल के साथ जुड़ जाइए और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों अभी यहाँ पे बहुत सुंदर भजन कीर्तन चल रहा है सभी महिला मंडली द्वारा। आरती हो चुकी है और अभी लग रहा है मंडाण, तो ये देखिए अब यहाँ पे मंडाण लग रहा है। तो दोस्तों पूजा के बाद पूजा आरती के बाद वहाँ पे मंडाण लगा था और मंडाण के बाद हम सभी लोगों ने वहाँ पे खाना खाया और खाना खाने के बाद अभी माँ धारी देवी की डोली प्रस्थान हो चुकी है, वहाँ से निकल चुकी है और अब यहाँ से डोली जाएगी काली सिद्ध मंदिर में और आज का रात का कार्यक्रम तो वहीं पे होगा। तो हम मिलते हैं आपसे सीधे काली सिद्ध मंदिर में। जय माता दी, जय जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो ये रहा यहाँ पे काली सिद्ध मंदिर और यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं। देखिए पहुंच चुकी है डोली काली सिद्ध मंदिर में, ये देखो सभी लोग आ रहे हैं माता को अपने साथ लेके। दोस्तों यहाँ पे टेम्पू ट्रैवलर भी पहुंच चुका है और यहाँ पे भाई लोग टेम्पू ट्रैवलर को सजा रहे हैं मस्त, क्योंकि कल बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने वाला है तो उसके लिए यहाँ पे तैयारी चल रही है और ऊपर दसवाणा जी बैठ करके यहाँ पे टेम्पू को सजा रहे हैं। महाराज जी भी इनके साथ है और सभी लोग यहाँ पे टेम्पू को सजा रहे हैं क्योंकि दोस्तों कल का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही भव्य कार्यक्रम है तो उसके लिए यहाँ पे आज रात भर तैयारी चलेगी। और कल के ब्लॉग में आप बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि कल का ब्लॉग काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है।
दोस्तों अभी आरती के बाद और भोजन करने के बाद अभी सभी लोग आ चुके हैं, सभी लोग सोने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डाटा ट्रांसफर और एडिटिंग करते हैं दोस्तों। और जो कल वाला ब्लॉग है वो काफ़ी बड़ा ब्लॉग होने वाला है दोस्तों, हरिद्वार का ब्लॉग आने वाला है और इसमें बहुत ही बड़ा ब्लॉग होने वाला है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और वाले ब्लॉग की लिंक पे मैं इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलते हैं आपसे हरिद्वार वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।